तो ये हमारे पास गिवन है, वी हैव टू एग्जामिन कि वेदर इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन और नॉट एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो यहां पे हमें दो अलग अलग बात बोली गई है, लेस देन और इक्वल टू जीरो के लिए 3x-2 और ग्रेटर देन जीरो के लिए x+1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अलग फंक्शन गिवन है और राइट हैंड लिमिट के लिए अलग फंक्शन गिवन है। तो हम यहां पे लिखते हैं LHL लिमिट x अप्रोचेस जीरो एफ ऑफ एक्स लिमिट x अप्रोचेस जीरो। अब LHL यानी नेगेटिव लिखूंगा, जब LHL है तो जीरो के ऊपर नेगेटिव लिखूंगा, इसका मतलब क्या है कि हम जीरो को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, याद आएगा 3x-2 अप्लाइंग लिमिट्स, वेरी सिंपल, इसमें तो हमें कोई आइडेंटिटी यूज करनी नहीं पड़ी। अप्लाइंग लिमिट्स दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स 3 × 0 - 2 इक्वल्स टू -2। अच्छा, अब इसने ना एक और चीज बोली है, एट लेस देन जीरो एंड इक्वल टू जीरो, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, पहले RHL की बात करते हैं, RHL आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ एफ एक्स, दिस बिकम्स लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड, विल बी टेकिंग इट एज x+1 एंड देन सिंपली अप्लाइंग लिमिट्स ये क्या बन जाएगा 0+1 = 1। अब यहां पे सिंपली बाकी चीजें तो छोड़ ही दो, सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस जीरो ऑफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस डिसकंटिन्यूअस। दैट्स इट, फिनिश। ठीक है, तो जल्दी से सिंपल सा नोट करें। अब यहां पे ना एक और चीज जो थी, जो इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि ये आपको समझाने के लिए है, हेयर एफ ऑफ जीरो इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3x-2 विच इज 3 × 0 - 2 इक्वल्स टू -2। पर इस बात को तो हम तब देखते हैं अगर हमारे पास LHL इक्वल्स टू RHL होता, बट क्योंकि LHL और RHL इक्वल नहीं है इसलिए हम इसको चाहे ना भी देखें ना भी कंसिडर करें, इट डज नॉट मैटर टू अस एट ऑल। सो फॉर अस कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए LHL और RHL सबसे पहले सेम होगा, उसके बाद हम लोग उसको f ऑफ a के साथ चेक करेंगे, है ना जी। तो अब जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं फटाफट से। तो यहां पे हम लोगों के पास क्या दिया गया है, हमें दिया गया fx इज इक्वल्स टू दिस। हमारे पास कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब लिमिट x अप्रोचेस a ऑफ fx इज इक्वल्स टू f ऑफ a, है ना। तो यहां पे x a की जगह पे क्या है 1, तो हम इसकी लिमिट्स चेक करेंगे। पहले क्या लिखेंगे हम इसको, विल बी राइटिंग इट एज लिमिट। अब यहां पे LHL और RHL लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज LHL और RHL के लिए सेम फंक्शन है। तो लिमिट x अप्रोचेस 1 f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस 1 x²-1/x-1। अगर मैं 1 यहां पे डायरेक्टली पुट करता हूं तो ये 0/0 फॉर्म आती है, राइट। तो क्या करूंगा मैं इसको बच्चू लिखूंगा फैक्टराइजेशन, ठीक है, इट इज x+1 × x-1/x-1। तो x²-1 को मैंने लिख दिया x+1 × x-1, और डिनोमिनेटर में x-1 ही रहा। जब ये मैंने काट दिया, अब क्या कर सकता हूं, अब लिख सकता हूं अप्लाइंग लिमिट्स, और अब जब अप्लाइंग लिमिट्स करता हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं
कि दिस इज इक्वल्स टू 1 + 1। तो कहता है फॉर एफ एक्स टू बी कंटिन्यूअस लिमिट x अप्रोचेज 1 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, दिस इंप्लाइज दैट 2 इज इक्वल टू k। तो दिस इज द वैल्यू, हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो हमें बोला गया था कि अगर एफ एक्स कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 1, तो बताइए उस k की वैल्यू क्या होगी। तो वी हैव गॉट दैट वैल्यू ऑफ k एज 2। ठीक है, जल्दी से पुत्र जी नोट करें एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी करेंगे, शाबाश। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इफ यू सी x square minus 3x plus 2 upon x minus 1, ये हमें fx दिया गया है, राइट। तो आप यहां पे अगेन इसको क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 0 f of x is equals to limit x approaches 0 x square minus 3x plus 2 upon x minus 1 limit। अब देखें, अगर मैं इसमें 1 डाल देता हूं ना, तो बन जाएगा 1 plus 2 3, 3 minus 3 0, तो ये हमारे पास 0 by 0 फॉर्म आ जाएगी। जब भी 0 by 0 फॉर्म आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। और ये कैसे फैक्टराइज होगा, न्यूमिरेटर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे x अप्रोचेस 0 x स्क्वायर माइनस 2x देन माइनस x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। क्या ये ठीक है, मैंने ठीक लिखा इसको, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, क्या ये ठीक लिखा गया? बिल्कुल, ये ओके। तो आपकी भाई वो चाहिए मुझे, ठीक है। तो दिस इज लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 एक्स इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। सो दिस बिकम्स व्हाट, दिस इज लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 x minus 1 into x minus 2 upon x minus 1। अब देखे बच्चे, अगेन हमारे पास ये न्यूमिरेटर और ये डिनोमिनेटर कट जाता है। बेसिकली ये जो जीरो बनाने वाले लोग है ना, हम इनको हटा देते हैं, बिकॉज सॉरी दिस इज आई एम सॉरी ये मैंने गलत लिखा है, दिस इज अप्रोचेस 1 है ये, आई एम सॉरी फॉर दैट, गलती से जीरो लिखा गया। बट ये जो हमारे पास जीरो बनाने वाले लोग थे, हमने इसको हटा दिया, क्या किया, इसको यहां से हटा दिया। अब क्या करेंगे, अप्लाइंग लिमिट्स, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 1। अब बोलता है सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, therefore limit x approaches 1 of fx is equals to f of 1, that means minus 1 is equals to k। this is the answer for us। come on, note it and tell me if you have understood it, and then we will move further। अब धीरे धीरे आगे चलेंगे और एक क्वेश्चन आपको भी दूंगा अभी करने को लिए, सो बी रेडी फॉर दैट। यस, सो कीप योर जोश हाई माय आर्मी, शाबाश, जल्दी से। अब देखें, इसमें हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो है कि जो ये आइडेंटिटी है एक्स क्यूब माइनस 8, इसको कैसे यूज करना है। तो देखें, लिमिट x approaches 2 of fx is equals to limit x approaches 2 x cube minus 8 upon x minus 2। इसमें हम लोग करेंगे तो ये 0 by 0 फॉर्म आ जाएगी।
इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स क्यूब माइनस टू क्यूब अपॉन एक्स माइनस टू, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, हाँ अब ये जो एक्स क्यूब माइनस टू क्यूब है ना, सिंस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, सो वी गेट व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स क्यूब अपॉन टू एक्स क्यूब एक्स अप्रोचेस टू एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस टू स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू, ये माइनस माइनस वाला पार्ट कट गया, अप्लाइंग लिमिट्स इज व्हाट, इट इज टू स्क्वेयर प्लस टू इंटू टू प्लस टू स्क्वेयर दैट इज फोर प्लस फोर प्लस फोर इक्वल्स टू 12। अब वही सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू टू, तो देयरफॉर लिमिट x approaches to of fx is equals to f of 2, this implies that 12 is equals to k, so we get this as the answer. So hope this thing is very much clear to you now, right? चलें इसको नोट करें, जिन्होंने नहीं किया we will go for another one. मैं एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से नोट करेंगे फिर क्वेश्चन करते हैं अगला। देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन में, आपके पास दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन फाइव एक्स अपॉन थ्री एक्स, तो हम लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोच जीरो ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोच जीरो साइन फाइव एक्स अपॉन थ्री एक्स। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास आप सबको पता है कि हम इसको जो साइन का एंगल होता है वही नीचे होना चाहिए, बट यहां 5x की जगह क्या है 3x, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको साइन 5x अपॉन 5x से मल्टीप्लाई करता हूं और 5x से ही डिवाइड करता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स लिमिट एक्स अप्रोच जीरो साइन फाइव एक्स अपॉन फाइव एक्स अलग कर देंगे इंटू फाइव एक्स अपॉन थ्री एक्स अलग कर देंगे, ये एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से भी, फाइव बाई थ्री कॉन्स्टेंट है, इसको चाहे आप बाहर लिख लीजिए। देखिए अब इस जगह पे अगर आप आए ना, आप इसको दोनों तरफ से इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, आप इसको दोनों तरीके से लेके चल सकते हैं। कैसे लेके चल सकते हैं, हम इसको ऐसे लेके चल सकते हैं, या तो मैं इसको ऐसे लिखूं इक्वल्स टू फाइव अपॉन थ्री लिमिट एक्स अप्रोच जीरो ऐसे लिख सकता हूं, और इसी चीज को सेम चीज को सेम चीज की बात कर रहा हूं, आप दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हो, यू कैन ऑल्सो राइट इट एज लिमिट एक्स अप्रोच जीरो साइन फाइव एक्स अपॉन फाइव एक्स इंटू लिमिट एक्स अप्रोच जीरो फाइव अपॉन थ्री। इसके बाद आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू, दोनों तरीके से ठीक है, कई बुक्स में इस तरह से लिखा जाता है, कई बुक्स में इस तरह से लिखा जाता है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। नाउ ऑन अप्लाइंग लिमिट्स, क्या बनेगा ये, दिस विल बी फाइव अपॉन थ्री इंटू वन,
इक्वल्स टू 5/3, या फिर आप इसको भी लिखेंगे तो भी ये 1 × 5/3 आएगा। अब बोलता है सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, देयरफॉर ये जरूर लिखना आपने लिमिट x अप्रोचेस 0 ऑफ fx इज इक्वल्स टू व्हाट ऑफ fx इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 5/3 इज इक्वल्स टू के। दिस इज द आंसर फॉर अस। तो जल्दी से नोट करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर अनदर क्वेश्चन। चलिए जी देखें यहां पे आपके पास फिर से कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब यहां पे बात हो रही है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 4। अब देखें यहां लेस देन 4 की अलग बात है, ग्रेटर देन 4 की अलग बात है और इक्वल टू 4 की अलग बात है। तो हम यहां पे LHL और RHL वाला कंसेप्ट लेके चलेंगे। तो LHL लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 4 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू, अब इसको ध्यान से धीरे धीरे समझेंगे सभी, लिमिट x अप्रोचेस 4 नेगेटिव x माइनस 4 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 4 प्लस ए। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स माइनस सिंस मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 4 इफ एक्स माइनस 4 इज लेस देन 0 और x इज लेस देन 4। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मॉड की डेफिनेशन होती है, तो ये आ जाएगा लिमिट, 11th में पढ़ा हुआ आपने, x माइनस 4 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा प्लस ए, दिस एंड दिस गॉन, और ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी रिटन एज लिमिट x अप्रोचेस 4 माइनस 1 प्लस ए। नाउ अप्लाइंग लिमिट्स, लिमिट्स किसके ऊपर अप्लाई होती है, x के ऊपर, लेकिन यहां x नहीं रहा इसलिए अब हम इसको क्या लिखेंगे, अप्लाइंग लिमिट्स, सो दिस विल बी रिटन एज a माइनस 1। ये हमारे पास LHL आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं RHL की। RHL को भी हम वैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 4 पॉजिटिव ऑफ fx इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस 4 पॉजिटिव प्लस बी, एंड यहां पे अगर आप देखें सिंस क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव एक्स माइनस 4 इफ एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0 और एक्स इज ग्रेटर देन 4। तो व्हाट वी गेट, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी लिमिट x approaches 4 plus b, this and this gone, और फिर हमारे पास क्या बनेगा, इसको अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो आ जाएगा limit x approaches 4 1 plus b, applying limits again, यहां पर भी अगर आप देखें तो x नहीं है
और जब एक्स नहीं है इट इज बी प्लस वन। ठीक है, तो आपके पास ए माइनस वन आ गया, ये बी प्लस वन आ गया। ये अब ये हमें क्या बोलता है, ये बोलता है, ध्यान से आप समझना, ये बोलता है कि सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू फोर, देयरफॉर एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल इज इक्वल्स टू एफ ऑफ फोर। ये हमें मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर हम कह सकते हैं a माइनस वन इज इक्वल्स टू बी प्लस वन इज इक्वल्स टू ए प्लस डी। वाओ, अब ये बात समझने वाली है। ठीक है, ये बात समझने वाली है कि हमें a और b की वैल्यू अब मिलने ही वाली है। कैसे मिलेगी, जस्ट सी, हमें बोलता है a माइनस वन इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए और ए कैंसिल, दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल्स टू माइनस वन। ऑल्सो a माइनस वन को हमने a प्लस बी लिया, b प्लस वन इज इक्वल्स टू a प्लस बी, b और b कैंसिल, हमें क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू वन। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ a एंड b एज वन एंड माइनस वन रिस्पेक्टिवली। तो हमने सब कुछ वैसे ही किया, एल एच एल फाइंड आउट किया, RHL find out किया, और फिर वो बेसिक चीज कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो LHL equals to RHL equals to f of 4, so a minus 1 equals to b plus 1 equals to a plus b आ गया, और फिर हमने इन वैल्यूज को अलग अलग से कंपेयर किया और हम लोगों ने a और b का वैल्यू फाइंड आउट किया। ठीक है, होप दिस इज क्लियर टू यू, नोट इट डाउन, जल्दी से फिर बात करता हूं, जल्दी करेगा, शाबाश, और जब कर लेंगे तो मुझे एक बार बता दीजिएगा दैट यू हैव डन दिस। सो आई होप ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो चुका होगा अभी तक, राइट? तो ये हमारे पास जो थी कंटिन्यूटी में, हम लोग जब बात करते हैं हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालने को बोला जाता है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ द डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स की कंटिन्यूटी कैसे होती है, कॉस एक्स की कैसे होती है। फिर हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो हम लोगों ने एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स ऑफ कंटिन्यूटी कैसे हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो वो कल हम लोग सीखेंगे, आज इसको इतने रखेंगे, आप इसको एक बार घर पे देखिएगा एंड साथ के साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी आती है, जस्ट शेयर इट इन द ग्रुप एंड वी विल सॉल्व इट फॉर यू। आज के लिए इतने रखेंगे, कल दोबारा से मिलते हैं सेम टाइम के ऊपर। All the best to all of you. God bless you all. Lots of love and blessings to you. Jai Hind.